Hey, what's up everybody? Welcome back to the channel. और आज मैं जा रहा हूँ क्रेटा 2024 की टेस्ट ड्राइव लेने, क्योंकि अभी हमको एक गाड़ी लेनी है. और उससे पहले हम जिमनी के शोरूम भी गए थे, लेकिन वहां पर टेस्ट ड्राइव हो नहीं पाई. तो अभी मैं जा रहा हूँ क्रेटा को देखने. और ये जो नई क्रेटा आई है वो पुरानी वाली जो क्रेटा है उससे काफी ज्यादा अपग्रेडेड है. तो अब चलते हैं फटाफट शोरूम और देखते हैं कि पुरानी वाली क्रेटा में और इस वाली क्रेटा में क्या क्या चेंजेस है, और साथ ही साथ करेंगे टेस्ट ड्राइव. और अब चलते हैं फटाफट से शोरूम और लेते हैं क्रेटा की टेस्ट ड्राइव, और साथ ही साथ आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या अपग्रेड और क्या क्या चेंजेस इस नई वाली क्रेटा के अंदर आपको मिलते हैं. सबसे पहले कर लेते हैं नई वाली क्रेटा का वॉक अराउंड, जहां पर आप एक्सटीरियर में देख सकते हैं कि इसका जो फ्रंट है और साइड्स हैं और जो पीछे की तरफ है क्या क्या चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं. जैसे कि इसकी जो टेल लाइट है वो भी चेंज हो चुकी है, और जो इसकी जो फ्रंट लाइट्स है वो भी टोटली चेंज हो चुकी है, जो आपको इस वीडियो के अंदर दिख जाएगी. और ये है इसकी साइड प्रोफाइल. तो ये है इसकी फ्रंट लाइट्स और फ्रंट ग्रिल, जो कि टोटली चेंज हो चुकी है. अब चलते हैं गाड़ी की इंटीरियर की तरफ, जो कि पुरानी क्रेटा से बिल्कुल ही चेंज है. ये है इसकी फ्रंट एलईडी स्क्रीन, और ये जिस गाड़ी के अंदर मैं बैठा हूं वो है क्रेटा का टेक वेरिएंट. ये है कूल ग्लव बॉक्स. अब चलते हैं रियर सीट पर. ये है कर्टन्स. यहां पर आ रहा है चार्जिंग पॉइंट, जो कि टाइप सी है, दोनों ही टाइप सी है. ये है सी वेंट. ये है रीडिंग लैंप्स, जो कि आपको ग्रेब हैंडल के बिल्कुल पास में मिलेंगे. ये है हेडरेस्ट कुशन, जो कि आपको इस वेरिएंट के साथ में मिलेंगे. और ये है इस गाड़ी का 433 लीटर का बूट स्पेस. और ये है टेक वेरिएंट के कुछ दूसरे कंट्रोल्स. और ये है चार्जिंग पोर्ट्स. ये है एसी वेंट्स, जिसका फॉर्मेशन हो गया है चेंज. और ये है इसकी लंबी सी एलईडी स्क्रीन. ये भी है एसी वेंट. ये जो स्पेस है वो पहले वाली क्रेटा में नहीं था. और ये है इसके बोस के स्पीकर और ट्यूटर्स. ये है पुश स्टार्ट स्टॉप स्विच, और ये है बाकी स्विच जो कि हर नॉर्मल गाड़ी के अंदर होते हैं. और ये है लाइट और सनरूफ के स्विच. ये है वैनिटी मिरर. ये है सनग्लास होल्डर. तो अभी मैं जिस गाड़ी के अंदर बैठा हूँ वो है A6 टेक, और अभी हम जाने वाले हैं टेस्ट ड्राइव के लिए. और अब चलते हैं टेस्ट ड्राइव के लिए और देखते हैं टेस्ट ड्राइव के लिए जो है कौन सा व्हीकल हमें अवेलेबल है. ये है वो गाड़ी जो हम जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव के लिए, जो कि है A6 ऑप्शनल. और ये है हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव. इनसे हम इससे पहले भी 2-3 गाड़ियां ले चुके हैं, और ये हमारी जो है चौथी गाड़ी है इन्हीं से जो हम ले रहे हैं. तो अगर आप कभी आना चाहें तो मैं स्क्रीन पे नंबर दे दूंगा. आप उदयपुर से हैं, राजस्थान से हैं, तो इनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, ये आपको जो है बहुत अच्छी डील प्रोवाइड करेंगे. और अगर आप क्रेटा का ब्लैक कलर लेना चाहते हैं तो उसका भी वॉक अराउंड आपको करा देते हैं. अब चलते हैं गाड़ी के अंदर. तो अभी हम जिस गाड़ी के अंदर बैठे हैं वो है A6 ऑप्शनल, और ये है फुली फीचर्ड, जहां पर आपको मिल जाएगी सनरूफ वगैरह और सारे फीचर इसके अंदर मिल जाएंगे. और ये है हमारे पास ऑटोमेटिक वेरिएंट, और इसकी टेस्ट ड्राइव के लिए हम अभी जाने वाले हैं. और चलते हैं और देखते हैं क्या रहता है एक्सपीरियंस. लेकिन उससे पहले A6 ऑप्शनल के अंदर आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं वो भी आपको दिखा देते हैं. ये जो सीट है वो भी रिक्लाइन होती है. ये एक तो नॉर्मल ये रही, और जो रिक्लाइन करने के बाद है वो सीट ये है. इतना डिफरेंस जो है आपको दोनों सीट्स के अंदर मिल जाएगा. ये है सेंट्रल आर्म रेस्ट, जो कि आपको दोनों सीट्स के बीच में मिल जाएगा. वरना की तरह इसकी भी जो सीट्स हैं ये और ये दोनों, वो जो है वेंटिलेटेड है, हीटेड और कूल्ड सीट है. और ये है पीछे का एसी वेंट्स, और ये है इसके चार्जिंग पोर्ट्स, और ये है स्टोरेज थोड़ा सा, और उसके अलावा ये है नॉर्मल सीट्स, और ये है इसके बोस के स्पीकर्स, और ये है रीडिंग लैंप्स, और ये है कर्टन्स, और ये है इसकी सनरूफ, जो अभी फिलहाल नहीं खुल सकती क्योंकि इसके पीछे इसके ऊपर जो है एक रेप लगा हुआ है. अगर इसको खोलेंगे तो वो हट जाएगा, उस वजह से हम नहीं खोल रहे हैं. ये है पार्किंग ब्रेक, और ये है ऑटो होल्ड, और ये है इसके ब्लोअर्स के लिए. इस साइड के ब्लोअर्स अलग हैं और इस साइड के ब्लोअर्स हैं वो भी अलग हैं. और ये है इसके 360 पार्किंग कैमराज के लिए स्विच. और ये है इसका हैंड रेस्ट, और ये है इसका सनरूफ, और ये जो है ये इसका ड्राइव. ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, और ये है इसकी स्क्रीन. और इसका जो म्यूजिक है वो काफ़ी लाउड लगा मुझे. और ये है इसका 360 कैमरा, और ये है स्टीयरिंग के सारे कंट्रोल्स जो पहले के जैसे ही हैं.
हम जो गाड़ी खरीदने वाले हैं वो है EX, लेकिन जो हमको टेस्ट ड्राइव के लिए मिली है वो है SX ऑप्शनल। तो अब चलते हैं टेस्ट ड्राइव पे और देखते हैं कैसा रहता है इसका एक्सपीरियंस। और इससे पहले जो मैं गाड़ी चला रहा था वो भी क्रेटा ही थी और उसको जो चलाने का एक्सपीरियंस था बहुत सही था, लेकिन देखते हैं इसमें कोई चलाने वाइज कोई चेंजेस है या सेम वैसे ही रहने वाली है। एक्सपीरियंस के हिसाब से तो जैसे मेरी पहली गाड़ी थी एक्जैक्टली वैसी ही चल रही है, लेकिन जो फीचर हैं इसके वो काफ़ी अपडेटेड हैं। तो अब थोड़ा सा चलते हैं इसे टेस्ट ड्राइव के लिए, उसके बाद एंड में आपको बताएंगे कि क्या रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो फाइनली 2-3-4 किलोमीटर की जो है टेस्ट ड्राइव हमने ले ली है, और जो अब तक हम चला रहे थे वो बेसिक से मॉडल हुआ करते थे, लेकिन ये जो मॉडल है वो टॉप मॉडल है और ये है इसकी सनरूफ। तो जो एक्सपीरियंस है ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा, और जो इसके नए नए फीचर हैं जो कि जो इतने सारे 360 कैमराज हैं, रिवर्स कैमराज हैं और ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी। मन तो ऐसा था कि टॉप मॉडल ले लिया जाए, लेकिन बजट जो है मना कर रहा है कि ई या EX ही लिया जाए, लेकिन जो एक्सपीरियंस था बहुत सही था। और टॉप मॉडल चलाने की जो फील होती है वो तो बिल्कुल अलग होती है और बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल की जो फील होती है। तो जो टेस्ट ड्राइव थी वो ले ली है, और गाड़ी जो मुझे बुक करनी थी EX वो भी मैंने बुक कर ली है। तो जो फीचर्स वगैरह थे वो दिखा दिए, ड्राइविंग एक्सपीरियंस बता दिया, पहले वाले से काफ़ी इम्प्रूवड है, हालांकि सेम भी कह सकते हो, लेकिन हो सकता है शायद मैं टॉप मॉडल चलाई है, ऑटोमेटिक चलाई है, डीजल चलाई है, उस वजह से मुझे थोड़ा सा डिफरेंस महसूस हो रहा हो। लेकिन जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है थोड़ा सा पहले वाले से बेटर मुझे लगा, शायद डीजल की वजह से, शायद ऑटोमेटिक और टॉप मॉडल की वजह से, लेकिन हाँ ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। और इसका जो इंटीरियर है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है, और इसका जो एक्सटीरियर है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करना। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, और जब भी मैं गाड़ी लूँगा तब इसकी जो डिलीवरी ब्लॉग है वो भी बनाऊंगा। तो चैनल पर बने रहना और प्यार दिखाते रहना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।